जी सर। हाँ पढ़ो। अच्छा इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जानकारी कुछ प्रोपेगेंडा जनमतकु प्रभावित करिया में भावधारा बा तथ्य प्रचार बा प्रचार व्यवस्था प्रॉपर पी आर ओ पी ए जी ए एन टी ए जनमतकु प्रभावित करिया में जो प्रचार करा है ना को भाई राम को जो गुटे दिन सब प्रभावित करे राय पाए तना ना दिस में जो यानी जैसे जानकारी तो वो होना जो सच है। प्रोपेगेंडा यानी जैसे कि सच हो सकता है झूठ भी हो सकता है, ज्यादातर झूठ ही होगा। जैसे कि स्कूल में जो सर आता है तो उनको मैं बोलता हूँ कि हाँ नहीं हम स्कूल में रोज बच्चे को ब्रेड अंडा दूध देता है ये सब देता है तो जो सर बोलता है अच्छा बहुत अच्छा स्कूल में बच्चे बहुत खुश हैं ये सब बिना किसी उस चीज का एविडेंस नहीं है ना कुछ प्रूफ नहीं है लेकिन मैं जाके ये जानकारी दे रहा है तो उस चीज को प्रोपेगेंडा बोलते हैं। यूजली राजनीतिक उसमें होता है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। असल में जैसे कुछ काम नहीं हो रहा है लेकिन जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो भी वो बोलेगा कि नहीं सब कुछ हो रहा है काम उसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं। रेडियो सब कुछ जिससे माध्यम से आप जानकारी भेज सकते हैं एक दूसरे को। फोन भी मीडिया एक तरह से माध्यम है ना बात करने कम्युनिकेशन का तो ये मीडिया और न्यूज एक तरीका है जिससे मीडिया यूज होता है। न्यूज से क्या होता है? न्यूज क्या हुआ आपके हिसाब से? न्यूज क्या होता है? खबर। हाँ न्यूज खबर होता है। खबर न्यूज होता है। दुनिया में जो भी आपके आसपास हो रहा है उसका उसमें लेकिन न्यूज में दो बात होना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा प्रूफ। प्रूफ होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव यानी कि जैसे कि कुछ पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं न्यूज लिख रहा हूँ तो मैं अपने भाई का कंपनी या फिर भाई के पार्टी के बारे में नहीं लिखेगा क्योंकि अगर मैं अपने भाई के बारे में पार्टी में लिख रहा हूँ तो उसके बारे में अच्छा ही लिखेगा ना समझ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव का भी एक बार मीनिंग देख लेना ठीक है। ओ बी जे ई सी टी आई वी यानी कि अगर जैसे ऑब्जेक्टिव कुछ भी हाँ ओ बी जे ई सी टी आई वी ई ऑब्जेक्टिव के कई मीनिंग होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव का मतलब वो भी है कि एम गोल लेकिन ऑब्जेक्टिव का अभी जो हम मीनिंग बात कर रहे हैं हाँ ये नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस ये करो व्यक्तिगत मनोभाव द्वारा रोहित मेरा दोस्त नहीं है तो मैं रोज आके चंदन और विरांची को बोलता हाँ तुम जाओ और रोहित को कुछ कुछ कैसे फंसा देता है टीचर को बोलेगा कि तो इसका मतलब क्या है कि मैं ऑब्जेक्टिव नहीं हूँ है ना। ऑब्जेक्टिव होता तो अगर चाहे ये मेरा दोस्त है चाहे ये मेरा दुश्मन है दोनों को एक तरह से समझ गया ना। तो न्यूज में ये दो चीज होना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव यानी कौन मेरा दोस्त है या कौन मुझे पसंद है। जैसे अगर मैं न्यूज में मूवीज के बारे में लिख रहा है मान लो न्यूज में मूवीज का भी बात होता है ना तो मुझे पर्सनली सलमान खान अच्छा लगता है शाहरुख खान अच्छा नहीं लगता है लेकिन वो चीज मेरा जब मैं न्यूज में लिख रहा हूँ वो चीज नहीं आना चाहिए। अगर सलमान खान का मूवी अगर मुझे अच्छा लगता है नहीं सलमान खान मुझे अच्छा लगता है लेकिन उसका मूवी बेकार है तो न्यूज में मुझे बोलना पड़ेगा कि उसका मूवी बेकार है। चाहे शाहरुख खान मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन उसका अगर मूवी अच्छा है तो मैं बोलूंगा सच है ना। तो बेसिकली सच न्यूज का काम क्या है वही सच बताना एक जगह में क्या हो रहा है आपका प्रूफ प्रमाण पी आर ओ एफ प्रूफ यानी हाँ। तो न्यूज में जैसे अगर मैं कल को बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने गलत काम किया या फिर ऐसा किया है तो उसका न्यू
कुछ प्रूफ होना चाहिए, ये नहीं, नहीं तो कोई भी उठ के कुछ भी बोल देगा ना, प्रूफ होना चाहिए, ठीक। तो आज हम ये सब का बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा ये भी एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग तो जानता है, एडवर्टाइजिंग है ना, ठीक है। तो ये न्यूज का काम ये है, ठीक है, असल में काम ये है, लेकिन जैसे हमने देखा था लॉ के साथ क्या है, इन प्रैक्टिस और पेपर इन प्रैक्टिस, और वो याद है ना क्या मतलब था इस चीज का, हाँ वो तो तुम ट्रांसलेट कर दिया, मतलब देखो ये एग्जांपल समझाओ कैसे, हाँ ठीक है ना, तो वैसे ही न्यूज का भी ये काम तो ये है कि सच बताना प्रूफ के साथ और ऑब्जेक्टिव हो गए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स कैसे आ जाते हैं, या तो जो कोई पॉलिटिशियन है वो बहुत पावर है ना उनके पास, वो न्यूज को कंट्रोल कर सकता है, न्यूज भी एंड में कौन बना रहा है, एक कंपनी बना रही है ना, उस कंपनी को पैसा चाहिए, तो अगर जैसे कोई बिजनेसमैन है रिलायंस है वो इनको पैसा दे के अपने बारे में अच्छा न्यूज खरीद सकता है, या फिर रिलायंस ने अगर कुछ गलत काम किया है तो न्यूज कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया किसी को पैसा देके बोलेगा तुम इसके बारे में मत लिखो, है ना, समझ रहे। वैसे कोई गैंगस्टर होगा, डॉन होगा, वो कुछ गलत काम करता है, न्यूज वालों को पैसा देके या फिर कुछ डरा के हो सकता है वो न्यूज बाहर ना आए, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात करना चाहे, वैसे इंदिरा गांधी जानते हैं ना, 1975 में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो एक इमरजेंसी, इसके बारे में सुना है आपने, पढ़ा हिस्ट्री में, इमरजेंसी आपातकालीन क्या हुआ था फिर, हाँ इंडिया में हुआ था 1975 से 1977 इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, क्या हुआ था इस समय, आपने पढ़ा है हिस्ट्री में भी? नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं बताऊँ। बेसिकली हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थी, ठीक है, और उनको यानी बाकी लोग पसंद नहीं थे, उनको बस अपना करना था, डेमोक्रेसी में क्या होता सब जो इलेक्टेड है साथ काम करना पड़ता है, लेकिन इंदिरा गांधी को मन नहीं था बाकियों के साथ, उसको अपना ही चलाना था, जैसे मोनार्की टाइप का, रानी की तरह उसको चलाना था, एक तरह से पावर चाहिए था उसको। तो और उन्होंने 1975 में उनका क्या हुआ था, बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि उन्होंने इलेक्शंस के बाद चीटिंग किया था जीतने के लिए, ठीक है, हाँ इंदिरा गांधी ने जीतने के लिए चीटिंग किया था थोड़ा, ठीक है, जो कि इलेक्शंस में होता है, लेकिन वो कोर्ट में आया बात, तो इसलिए फिर इंदिरा गांधी को हटा दिया गया, यानी टेक्निकली वो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकती थी, लेकिन उससे पहले कानून में इमरजेंसी का एक ऑप्शन होता है आपातकालीन, ठीक है, जिसमें इंडिया डेमोक्रेसी की तरह नहीं काम करेगा, उसमें डिक्टेटरशिप यानी कि एक जगह एक ही आदमी का चल सकता है, तो इंदिरा गांधी ने ये शुरू किया इमरजेंसी 75 to 77, कुछ 21 months चला था ये, तो उस टाइम पे क्या वो सारा पावर, यानी नहीं तो क्या हर पावर स्टेट का अपना चीफ मिनिस्टर का होता है ना, स्टेट का अलग होता है, जैसे अभी भी नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उड़ीसा का तो चीफ मिनिस्टर अलग है ना, बीजू पटनायक, उसका अपना चल रहा है, बीजू नवीन पटनायक सॉरी, तो उस समय क्या होता है इमरजेंसी के टाइम पे सारा पावर पीएम के पास आ जाता है, जो एक जो मीन बीच में स्टेटमेंट सबका कुछ हट जाता है, तो उस समय इंदिरा गांधी ने क्या किया, उसके जो भी जो ऑपोजिशन वाले थे, जो उसके दुश्मन थे पॉलिटिकल दुश्मन, सबको जेल में डाल दिया, बहुत चीजें की उसने, एक सबको जेल में डाल दिया जो भी उसके अगेंस्ट कुछ बोल रहा था, दूसरा उन्होंने काम किया जो भी न्यूज़पेपर ये सब मीडिया था उसको बंद कर दिया, उसने बिल्कुल यानी उनको इतना कंट्रोल कर दिया कि मीडिया यानी कुछ सच नहीं बता पा रहा था, बस हाँ यानी बिल्कुल बात नहीं हो रहा था कि लोग अरेस्ट हो रहे हैं, बल्कि बात हो रहा था कि इंदिरा गांधी बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, सेंसरशिप, सेंसरशिप शब्द समझ रहे, इसको भी देखना, सेंसरशिप मूवीज में भी सेंसरशिप होता है, जो भी सरकार को लगता है कि जैसे या तो जिसमें सेक्स CENSORSHIP, सेंसर, जो भी जैसे किसी को लगता है कुछ गलत है, जैसे चाहे सेक्स हो, वायलेंस हो या फिर पॉलिटिक्स के बारे में, तो होता है ना मूवीज को बैन कर देता है या फिर काट देता है कुछ सीन, तो वैसे ही सब मीडिया पे न्यूज़पेपर्स पे सेंसरशिप लगा हुआ था, वो कुछ भी जो इंदिरा गांधी चाहती थी वही न्यूज था, अगर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट कुछ न्यूज जा रहा है तो वो न्यूज़पेपर बंद हो जाएगा,
ऑफिसर में काफी कुछ हुआ था, जैसे संजय गांधी नसबंदी जानते हैं ना, नसबंदी वैसे कोर्ट वैसे कर रहे यहाँ पे नस काट देता ताकि बच्चा ना होगा नसबंदी। बेसिकली आपको याद है सेक्शन उसमें बताया था ना कि यहाँ पे टेस्टिस होता है, यहाँ से स्पर्म निकलता है और इधर आता है ना, तो नसबंदी एक ऑपरेशन होता है जिसमें वो यहाँ से ये नस काट देता है ताकि स्पर्म ना आए, सेक्स कर सकता है लेकिन बच्चा नहीं होगा। तो उस समय पॉपुलेशन को कम करने के लिए लोगों का जबरदस्ती नसबंदी भी कराने लग गए थे। ऑप्शनल होता है ना कि हाँ मैं करना चाहता हूँ ताकि बच्चे ना हो, लेकिन उस समय क्या हो रहा था एमरजेंसी के वक्त कुछ आजादी कम हो गई थी, तो जैसे मेरे को चंदन मिल गया चलो जबरदस्ती इसको नसबंदी करा के छोड़ दिया। कुछ 8 मिलियन लोग कितना नसबंदी हुआ था उस टाइम में 2 सालों में, और इसमें से काफी लोग का जबरदस्ती हुआ था, ज्यादातर लोगों का आदमियों का जबरदस्ती किया गया था। महात्मा गांधी और उसका बेटा संजय गांधी, और जो कुछ 140,000 कितना लोग अरेस्ट हुआ था, और ज्यादातर उसका पॉलिटिकल जो दूसरे पार्टी के लोग जो भी उनके अगेंस्ट जा रहे थे। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है कि ये सब न्यूज पॉलिटिक्स ये सब कुछ मिला होता है, ठीक है। और सेंसर था, सेंसरशिप। हाँ सेंसरशिप का मतलब बताओ। सेंसर था सेंसरशिप। हाँ मैं सेंसर वो है ना, हाँ मैंने बयान किया है ना सेंसर नहीं 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 ये ये सेंसर के हाँ मैं पढ़ चुकी है कौन सा कौन सा दूसरों ना समीक्षा का दूसरों ना समीक्षा का समझे आप नहीं। अच्छा तो सेंसर वो का मतलब पढ़ो ये जो ऊपर हाँ ये बस ऊपर यहाँ से ऊपर ऑफिसर वाला पार्ट छोड़ दो ऊपर बोलो नहीं। जैसे किसी भी चीज को कंट्रोल करना किताब में, अगर आप जैसे मुझे कुछ जैसे अगर मान लो मैं फिर से स्कूल का के बारे में किताब लिख रहा है तो मैं सब कुछ सच सच बोल देता है कि बच्चे नर्स से डरता है, बच्चा ये करता है वो करता है, ठीक है बच्चों को डांटता है ये सब, लेकिन फिर जो सर आता है बोलता नहीं नहीं ये सब हम बाहर लोगों को नहीं बता सकते, तो कुछ कुछ पार्ट हटा देता है कि नर्स के बारे या फिर ये और एंड में किताब में लिखा है कि नहीं बिल्कुल स्कूल बहुत अच्छा है सब कुछ है बच्चा सब एकदम पढ़ाई बहुत अच्छा हो रहा है सब क्लास होता है टाइम पे, तो वो सेंसरशिप है, ठीक है। सच को थोड़ा दबाना या फिर एडिट करना काट फूट के वो सेंसरशिप। हाँ तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूज पॉलिटिक्स ये सब मिला हुआ है, ठीक है। और पॉलिटिक्स के चलते काफी कुछ न्यूज पे भी आप विश्वास नहीं कर सकते थोड़े टाइम बाद। इमरजेंसी के दौरान बस एक चैनल चल रहा था दूरदर्शन, हाँ क्योंकि वो गवर्नमेंट का है, और दूरदर्शन में ये सब बातें नहीं हो रही थी, ये नहीं बताया जा रहा पब्लिक को कि इतना लोग अरेस्ट हो रहा है ये हो रहा है। दूरदर्शन में बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी बहुत अच्छा काम कर रही है, ट्रेन टाइम पे चल रहा है, लोग काम पे कर जा रहे हैं सही टाइम पे। हाँ ये 8 मिलियन लोग जो मैंने बोला जबर वो नसबंदी हो रहा था, और उसमें से काफी लोग जबरदस्ती नसबंदी हुआ था। तो कभी भी पावर के लिए लोग बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, यही चीज हम आगे फॉलो करेगा। और जब पावर कैसे करता है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जान इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना, जिसके पास इन्फॉर्मेशन का कंट्रोल है वो पावर है उसके पास, खास कर हमारे टाइम में अब जब इंटरनेट आ गया ये सब आ गया। इंदिरा गांधी इमरजेंसी इसीलिए चला पाई क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बाहर जाने नहीं देती थी, सब इन्फॉर्मेशन उनके कंट्रोल में था, ठीक न्यूज उनके कंट्रोल में था, इसलिए वो चल पाया। हाँ तो वैसे ही अब जैसे इन्हीं बातों पे आगे बात करते हैं, आप नरेंद्र मोदी का बात करते हैं अभी जो है ना, नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या जानते हैं? अच्छा है, और स्वच्छ भारत, ये तो ठीक है जो वो बोल रहे हैं, आप उसके बारे में क्या जानते हैं, उन्होंने क्या किया है? चाय बेचा, अच्छा ठीक है, और चाय बेचते थे पहले, ठीक है, और अच्छा आपने क्यों बोला वो अच्छा है, आपने तो वो अच्छा है सुना है, यही प्रॉब्लम है, ठीक है इसपे। हाँ ये जो पॉइंट बोला सुना है या फिर देखा है, कहाँ पे सुना है, टीवी पे, रेडियो पे और न्यूज़पेपर में,
ठीक है, इन्हीं चीज के बारे में बात करेंगे कि जो चीजें न्यूज़पेपर में आ रही है, जो टीवी में आ रही है, जरूरी नहीं सच है। ठीक है, इस पे बात करेंगे। 10 साल पहले नरेंद्र मोदी को कोई नहीं जानता था, ठीक है, न्यूज में बिल्कुल उनका जिक्र नहीं होता था। धीरे धीरे वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद कुछ चलते चलते प्राइम मिनिस्टर बन गया। ठीक है, हाँ, और साथ साथ में उनका यानी जो पब्लिक इमेज, एक नया इंसान है ईशान, जो अलग इंसान है। अब वो देखो किसको पता है, ठीक है, रुको इस पे आएगा बात। पब्लिक इमेज करके एक चीज होता है, पब्लिक इमेज माने जैसे एक इंसान है, एक नॉर्मल आदमी है ना, जैसे मैं ईशान है, मेरा बात छोड़ो, नरेंद्र मोदी का ही बात करता है। नरेंद्र मोदी जो असल में कैसा आदमी है, वो उसके बस दोस्त वालों को पता होगा, परिवार को पता होगा, जो उनके साथ रहता है। हमको नरेंद्र मोदी के बारे में क्या पता है? जो भी टीवी में आता है, जो वो बताते हैं ना, कि वो हमेशा ऐसे बैठता है एकदम, और बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग आवाज में बात करता है, ये पब्लिक इमेज है, जो बस पब्लिक के लिए है ना। जैसे तुम लोग का भी है ना, दो इमेज है, एक है जो आप लोग आपस में जो रहता है एकदम खुला हो गया ना, जैसे हॉस्टल में बैठा होगा, शर्ट खोल के बात करता है, कुछ भी बात कर सकता है। एक दूसरा पब्लिक इमेज क्या है, क्लास में या फिर टीचर के सामने एकदम ऐसे करके बैठेगा एकदम, हाँ ये वो करके। तो एक वो है ना, एक असल का जो इमेज है, और एक पब्लिक इमेज। तो पब्लिक इमेज का बात करते हैं, नरेंद्र मोदी का पब्लिक इमेज एकदम से पहले वो मिस्टर डेवलपमेंट बन गए, कि गुजरात में उन्होंने बहुत विकास कर दिया है ना, वहां से वो फेमस हो रहा था नरेंद्र मोदी की, विकास किया है, खूब विकास किया है। उसके बाद 2002, इसके बारे में आप पढ़ा है, 2002 गुजरात रायट्स, गुजरात में जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, तो 2002 में रायट्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम के बारे में बहुत लड़ाई हुआ था, ट्रेन चल गई थी, लोग एक दूसरे को, हाँ गुजरात में बहुत, हाँ पढ़ा है ना, हाँ, तो बहुत लोग मारे गए थे, और उसमें एंड में कोर्ट ने तो छोड़ दिया, लेकिन काफी लोगों का मानना था कि नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, वो सब चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने कुछ रोकने का ट्राई नहीं किया, तो इसलिए उनका भी काफी बड़ा हाथ था इसमें। एंड में कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, लेकिन काफी सारा आई विटनेस प्रूफ है इस चीज के बारे में। फिर धीरे धीरे लेकिन वो पब्लिक इमेज हट गया, वो बन गए 56 इंच प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब पब्लिक इमेज का खेल, और पब्लिक इमेज कौन बनाता है? मीडिया, बस न्यूज़पेपर नहीं, इंटरनेट, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, न्यूज़पेपर, ये सब कुछ मिला के पब्लिक इमेज बनाता है। सोच रहे हैं, एक आदमी जो अराउंड 2002 को कितना 15 साल हो गया, 15 साल पहले जिस आदमी को मर्डरर ये लोग बोल रहे थे कि गुजरात में इन्होंने दंगा करवाया, इतने लोगों को मारा इनके वजह से, हाँ, वो अब प्राइम मिनिस्टर हो गए, और सब बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 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 सब पागल हो रहे हैं, ये सब पब्लिक इमेज का खेल है। और कौन बनाता है? मीडिया। और सब मीडिया क्यों बनाएगा? एंड में सब आ जाते हैं मनी। नरेंद्र मोदी को बिजनेसमैन प्रमोट कर रहा है, बिजनेसमैन मीडिया को पैसा खिला रहा है कि मोदी को सपोर्ट करो, करते हैं। और हर पॉलिटिशियन ऐसे ही बनता है, बस मोदी अकेला नहीं, बाकी सब ऐसे ही है। ठीक, एक आपको एक जैसे आरटीआई पे असाइनमेंट दिया था, वैसे एक और असाइनमेंट है, 2002 गुजरात राइट्स के बारे में आप इंटरनेट में चेक करेंगे, और जितना जानकारी आपको लगता है 5 पॉइंट्स में या 5 सेंटेंसेस में आप बताएंगे कि क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग, DURING, ड्यूरिंग 2002 गुजरात रायट्स, RIOTS। तो कल आपका जैसे वो है कंप्यूटर क्लास है, आप कल कंप्यूटर क्लास में जाएंगे, मैं शर्मानी को बोलूंगा, आप लोगों को परमिशन है इंटरनेट यूज करने का, ठीक है, वो आपको थोड़ा मदद, मैं उसको बताऊंगा, आप लोगों को हेल्प करेगी कैसे इंटरनेट यूज करना है, जानकारी कैसे निकालना है सही इंटरनेट में भी वही प्रॉब्लम है, सही जानकारी है लेकिन बहुत सारा झूठ भी है, प्रोपेगेंडा भी है बहुत सारा, तो कैसे ढूंढे सही जानकारी, कैसे ढूंढना, इसको क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं, R E S E A R C H,
हमारे टाइम में रिसर्च बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि जैसे इंटरनेट पे इतना सारा जानकारी है ना, सब कुछ जानकारी है, लेकिन उसमें से सही क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, वो आप रिसर्च से ढूंढते हैं। तो मैं शर्वानी को बोलूंगा आप लोग को थोड़ा रिसर्च सिखाए और इंटरनेट आप लोग यूज करना और इसके बारे में देखना, ठीक है, 2002 गुजरात। और दूसरा, कुछ लोग ऐसा करो, कुछ लोग आप जैसे चार है ना, आप तीन लोग इमरजेंसी में देखना, ठीक है, इमरजेंसी 1975, और वो चार लोग ग्रुप में काम कर सकते हैं ना, आप तीन लोग एक रिपोर्ट बनाओ, ठीक है, तीन लोग विरांची, रोहित, चंदन, और अगर हरिया को याद है तो आपके ग्रुप में आप लोग क्या देखोगे, इमरजेंसी 1975। हाँ, ग्रेट GEM, और आप लोग, आप चार लोग देखेगा 2002 गुजरात राइट्स, ठीक है। तो इससे बेसिकली थोड़ा आप लोग को इंटरनेट पे रिसर्च करना आ जाएगा, ठीक है, रिसर्च। हाँ, ठीक। तो ये आपका असाइनमेंट है आप लोग का। हाँ, तो एंड में वही बात आ जाता है, जैसे आप लोग आजकल कुछ भी चाहे रेडियो देखेगा, न्यूज देखेगा, कहीं पे देखेगा, बस स्टॉप में हर जगह मोदी का फोटो है और हर जगह वो बोल रहे हैं कि देश में विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन किसको पता असल में क्या है। आप लोगों के जीवन में कुछ डिफरेंस आया 2014 से पिछले 3 सालों में, आपने आसपास कुछ देखा है डिफरेंस? नहीं ना, आप बहुत लोग हैं जिनको नहीं दिखा है, तो इन्हीं चीजों पे डिसाइड करो। बस डायरेक्ट चीज जैसे तुम बोल रहा ना कि न्यूज में अगर बोल रहा है तो उस चीज को मानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यूज भी पैसा और पॉलिटिक्स ये सब में मिला हो रहा है, न्यूज पे भी आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, पूरा विश्वास नहीं, जब तक आपको प्रूफ नहीं दे रहा है न्यूज तब तक उन चीजों पे विश्वास नहीं करो। जैसे समझ रहे, मोदी, मान लो मोदी जी या कोई भी पॉलिटिशियन नवीन पटनायक आके न्यूज में बोल रहा है कि हमने उड़ीसा से वो हटा लिया, अनएम्प्लॉयमेंट समझ रहे ना, अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें जॉब नहीं है, यानी हर कोई जिसमें जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट से गरीबी आती है क्योंकि जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है जिस लोगों में अच्छा काम नहीं है जिससे वो पैसा कमा सके। तो मोदी या फिर पटनायक आके न्यूज में बोलता है कि हमने उड़ीसा से अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट भी हटा दो, गरीबी हटा दिया है, ठीक है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं आ रहा, ना कोई रिपोर्ट आ रहा, ना कोई प्रूफ आ रहा है, बस वो बोल के चले गए। तो इस चीज को आप मान लेगा क्या, ये न्यूज नहीं है। न्यूज तब है अगर आप जो जो पटनायक या इसने बोला है कि हमने गरीबी हटा दी, उसके बाद फिर वो रिपोर्ट दिखाता है, डेटा दिखाता है कि हाँ इस इतने साल पहले उड़ीसा में इतना करोड़ गरीब लोग था, अब जब से मोदी जी आए हैं या फिर जब से पटनायक जी आए हैं तब से बस 1 लाख गरीब लोग रह गए, वो न्यूज है जिसने आपको प्रूफ दे रहा है, ठीक है, उस पर आप मान सकता है। जब कोई बस बिना करके, क्योंकि बोलना आसान है, कुछ कोई भी कुछ भी बोल सकता है, समझ आ रहा, जब तक प्रूफ साथ नहीं है उस पर विश्वास नहीं करना, बात यह है, और वो न्यूज भी नहीं है, ठीक है, वो कुछ और है, वो प्रोपेगेंडा है। तो यही डिफरेंस है बार बार जो क्या है, इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा में। इंफॉर्मेशन जानकारी है जिसको आप चेक कर सकता है, प्रूफ दे सकता है, प्रोपेगेंडा है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, वो बस अपने फायदे के लिए लोग बोल रहे हैं, ठीक है। और यही प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया, यही सब हो रहा है, न्यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन अब जैसे, हाँ जैसे मैंने आपको बताया, अगर मीडिया कंपनी, न्यूज कंपनी रिलायंस चला रहा है तो ऑब्वियसली वो न्यूज पेपर रिलायंस के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा ना, समझ रहे ना। जैसे अगर मान लो ग्राम विकास कल को अपना न्यूज पेपर शुरू कर देता है तो न्यूज पेपर क्या जो जो सर के बारे में कुछ गलत बोलेगा, वो नहीं बोलेगा ना, तो यही हो रहा है आजकल भी, ठीक है। वैसी एक और प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे अब क्योंकि हम बीजेपी, मोदी और बीजेपी का इसलिए बात हो रहा है क्योंकि ये लोग अभी पावर में, ठीक है, बाकी कांग्रेस भी उतना ही करप्ट है, बहुत स्कैम्स के आपको जैसे शायद पढ़ा होगा न्यूज़ में, उन्होंने भी बहुत गलत काम किया है, तो अब क्या बात करते हैं। और वैसी हाँ एक और बात, जैसे आपको पता है राहुल गांधी कुछ 8-10 साल पहले यहाँ तामना आया था, हाँ नहीं ऐसा तो आया था वो तामना में, ठीक है, हाँ 2008 में आया था शायद, हाँ तो आया था एक रात के लिए, स्कूल में भी आया था, हाँ
तो उन्होंने क्या किया, वो तामना में लोगों के साथ खाना खाया और वहां सोए थे, और अगले दिन हर न्यूज़पेपर में पूरे हर जगह लिखा था कि राहुल गांधी गरीब लोग एक विलेज में गरीब लोगों के साथ बैठ के खाना खाए और रहे उनके साथ, और फोटो आ गया। वो न्यूज है क्या? क्यों नहीं है? प्रूफ तो है ना, फोटो दे दिया राहुल गांधी का बैठा हुआ, वो प्रूफ तो है। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन है या प्रोपेगेंडा है? प्रोपेगेंडा है वो, इवन दो प्रूफ है उसका, लेकिन उस चीज से, उस न्यूज से फायदा क्या हो रहा है? किसका फायदा हो रहा है? उन लोगों का कुछ फायदा हो रहा है, राहुल गांधी का, क्योंकि लोग बोलेगा हाँ देखो गरीब लोगों के बारे में कितना केयर करते हैं, इनको वोट करेगा, है ना। उसके बाद न्यूज तब होता अगर वही जर्नलिस्ट एक महीने बाद या फिर एक साल बाद वापिस सामने आया और उन्होंने देखा कि राहुल गांधी के आने के बाद कुछ बदला है क्या यहाँ पे, वो न्यूज है। ये न्यूज नहीं है कि राहुल गांधी आके बैठ गया लोगों के साथ खाया, वो न्यूज नहीं, वो प्रोपेगेंडा है। न्यूज तब होगा अगर वापिस एक साल बाद आके अगर आप देखें कि राहुल गांधी जब से आए थे उसके बाद उन्होंने कुछ यहाँ चेंज किया है, नहीं किया है, किया है, वो न्यूज है। ठीक, बीजेपी आरएसएस का प्रॉब्लम है कि बोल रहे कि जो मैंने आपको बताया ना, जैसे हिंदुइज्म वेद वो सबसे आया है, और बहुत सारा अलग अलग स्कूल है, कोई शिव को पूजा करता है, कोई वैष्णो विष्णु का पूजा करता है, अलग अलग है हिंदुइज्म, कोई एक वो नहीं है। जैसे क्रिश्चियनिटी में है ना कि एक भगवान है, एक जीसस है, खत्म बात, उससे ज्यादा नहीं है कुछ। ठीक है, उसने भी अलग अलग स्कूल ग्रुप बना दिया है, लेकिन इसमें क्या है, ये लोग बीजेपी आरएसएस ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक अलग से स्टैंडर्ड हिंदुइज्म का, जैसे हिंदू जैसे हिंदी का भी बात किया था ना मैंने आपको कि हिंदी कैसे पॉलिटिक्स से बना था, उर्दू हिंदी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन और अभी भी हिंदी आप देखो उड़ीसा में अलग तरह का हिंदी बोलता है, यूपी में अलग हिंदी बोलता है, दिल्ली हर जगह अलग हिंदी बोलता है, लेकिन एक टाइप का हिंदी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं जो संस्कृत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो सब हम पहले बात करते, वो छोड़ दो। तो हिंदुत्व का कोई आइडिया, वो चाहता है कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, तो अगर वैसे अगर हिंदुइज्म अगर अलग अलग रहेगा तो फिर सब उनको वोट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो किसी तरह से समझाएगा लोगों की नहीं सब हिंदू एक ही है, हिंदुत्व है, ये है वो है, तो इंडिया का मेजोरिटी पॉपुलेशन जो कि हिंदू है सब उनको वोट करेगा, है ना। तो उस चीज पे चल रहा है। और दूसरा उनका क्या है, दूसरा उनका जो चलता है नेशनलिज्म, है ना, देशभक्ति, देशभक्ति। और देशभक्ति वैसा नहीं है कि हाँ देश हमारा, देशभक्ति है उनका हमेशा दुश्मनी वाला कि मुस्लिम लोग देश को खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ना है, वैसा वाला जो ऐसा देशभक्त को, एक देशभक्ति होता है ना जैसे टैगोर का था, जिसमें वो अपने देश को जो सही में जानता था आसपास उसको प्रेम करते थे और वो चाहते थे आगे बढ़े। लेकिन दूसरा एक टाइप का जो देशभक्ति होता है जैसे जो हिटलर पे था, है ना, कि एक दुश्मन है उसको खत्म करना है इसलिए हम महान बनेगा, तो ये हमेशा पॉलिटिकल वो होता है। हिटलर ने भी पावर ऐसे ही गेन किया था। ठीक है, और बीजेपी या फिर जो भी हिंदुत्व टाइप का उसमें है, क्या दुश्मन कौन है, या तो मुस्लिम या पाकिस्तान, और ऐसे ही चलता है ये चीज। और अब आजकल नया क्या है बिजनेस में, तो लेकिन जैसा मैंने आपको बोला हमेशा पॉलिटिक्स में कांग्रेस भी उतना ही करप्ट है, इतना बहुत स्कैम किया, वो बोफोर्स स्कैम, गन्स खरीदा है, बहुत पैसा इन्होंने स्कैम किया, करप्शन किया है, अभी तक चल रहा है। रॉबर्ट वाड्रा जो है क्या राहुल गांधी का जीजा, वो कुछ टाइम पहले केस में फंसा था ना कि बहुत सारा प्रॉपर्टी खाया, बहुत सारा पैसा खाया। तो हर पॉलिटिशियन पार्टी करप्ट है, तो पॉलिटिक्स में इसमें क्या आ जाता है कि जो सबसे सब खराब है, लेकिन जितना भी खराब लोग जिसमें से उसमें से जो ठीक है उसको हम वोट कर रहा है ना, सैडली है। राजीव गांधी के टाइम में भी काफी स्कैम हुआ, वो मर गया भाई राजीव गांधी, उनको मार दिया गया था। अरे रामना राहुल गांधी आया था, राहुल गांधी राजीव गांधी का बेटा, जवाहरलाल नेहरू इंदिरा घोष का बेटी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का बच्चा संजय गांधी और राजीव गांधी, संजय गांधी मर गया पहले, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बना, अब राजीव गांधी के दो बच्चे। महात्मा गांधी अलग, महात्मा गांधी इनसे रिलेटेड नहीं है, महात्मा गांधी अलग है, बस उनका नाम सेम था, क्योंकि क्या इंदिरा गांधी के हस्बैंड का नाम भी गांधी था, फिरोज गांधी, तो नाम सेम था बस, महात्मा गांधी इनका कोई रिश्तेदार नहीं है।
हाँ तो उसके बाद क्या, राजीव गांधी का दो बच्चा हुआ, राहुल और प्रियंका गांधी, और सोनिया गांधी उसकी बेटी थी। ठीक है, अब एक एस्पेक्ट, नेक्स्ट एस्पेक्ट आ जाता है वही एडवर्टाइजिंग एंड वही पब्लिक इमेज वाला काम, जिसको बोलते हैं पीआर, पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, पीआर, एडवर्टाइजिंग और पीआर का बस एक ही काम है कि आप लोगों को वो ऐसा चॉइस, चॉइस समझते हैं ना, इच्छा नहीं, जैसे चॉइस, अभी मैं समोसा खाऊं या वड़ा खाऊं, चॉइस है ना। हाँ तो ऐसे क्या पता नहीं बना, तो हाँ कि पीआर और एडवर्टाइजिंग का पूरा काम ये है, पीआर और एडवर्टाइजिंग का पूरा काम ये है कि आपको वो ऐसा चॉइसेस बनाने को मजबूर कर दे जो चीज आपको जरूरत नहीं है, या फिर जो चॉइस आप नहीं चाहते थे, या तो खरीदने में, या फिर जैसे कि एग्जांपल दे एडवर्टाइजिंग में। एडवर्टाइजिंग का पूरा काम ये है कि अगर मैं ये पेन एडवर्टाइज कर रहा हूँ, चाहे आपके पास 10 पेन है, आपको पेन का जरूरत ही नहीं है, या फिर आपको लिखना भी नहीं आता, लेकिन किसी तरह मैं अच्छा ऐड बना के आपको लगे कि अरे मुझे पेन चाहिए, चाहे मेरे पास 100 पेन ऑलरेडी है लेकिन मैं एक और पेन आपका ऐड देके खरीदूंगा, वो एडवर्टाइजिंग का काम है। वैसे ही पीआर का काम ये है कि जैसे मेरे जैसा आदमी जो गुजरात में रहा है, मान लो मैं गुजरात में रहा हूँ और मैं 2002 राइट्स के वक्त था और मैंने देखा कि मोदी के टाइम पे क्या क्या हुआ है वहां पे, लेकिन फिर भी पीआर का काम ऐसा है कि मुझे ऐसे ऐसा अच्छा अच्छा बात बताएगा, मेरे दिमाग में सा देगा कि मैं बोलूंगा नहीं नहीं मोदी अच्छा आदमी, उसको वोट करना है, ठीक, या फिर राहुल गांधी अच्छा आदमी, उसको वोट करना है। यही काम एडवर्टाइजिंग और पीआर का है कि जो चीजें आपको पसंद नहीं है, या फिर जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है, या फिर जो चीजें आप नहीं करना चाहते हैं, वो आपसे करवाना, ठीक है। हाँ समझ गया ना एडवर्टाइजिंग ना। तो जैसे क्या है, आप कई एडवर्टाइज में कई चीजें देखा होगा, जैसे हर चीज हमेशा न्यू एंड इम्प्रूव है ना, चाहे डिटर्जेंट बेचना हो, साबुन बेचना हो, हर महीने लक्स साबुन एक नया ऐड बना देता है हर साल, न्यू एंड इम्प्रूव, चाहे असल में कोई प्रूफ नहीं है इसका, असल में शायद वो वही चीज बस पैकेट बदल के एक नया साबुन बेच रहा है ना, हो सकता है सेम साबुन है बस उसका पैकेट नया करके आपको बोल रहा है, लेकिन आपको लगेगा अरे अच्छा कुछ नया है, कुछ अच्छा है, चलो खरीद लेता है, ठीक। वैसे एक और क्या चीज होता है कि हाँ, कई आपने डिटर्जेंट में टीवी देखता है ना आपको, तो कई एड्स में देखा होगा, जैसे चाहे कोलगेट का एड हो या कोई भी एड हो, एक डॉक्टर आ जाता है व्हाइट बोर्ड पहन के और बोलेगा नहीं कोलगेट अच्छा है, दूसरे एड में बोलेगा वही डॉक्टर कोई और डॉक्टर वो पहन के कि नहीं पेप्सोडेंट अच्छा है, रिसर्च किया है हमने, एक्सपेरिमेंट किया है, असल में क्या किया है हमको नहीं पता है ना, हाँ वही असल में सच क्या है नहीं पता हमको, हर कोई बोल रहा है कि उनका टूथपेस्ट सबसे अच्छा है, और हर एड में एक डॉक्टर आ जाता है व्हाइट कोट पहन के ना, व्हाइट कोट पहन कर आता है ना, तो वही यही सब ट्रिक्स है जिस तरह से आप एडवर्टाइजिंग आप लोगों को, यानी आप लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता है। और क्या होता है, जैसे हाँ कोई भी चीज 300 रुपए का नहीं होगा, 299 का होगा, या फिर 199 का होगा, क्योंकि वो थोड़ा ये भी साइकोलॉजिकल है, दिमाग में अगर आप सीधा शायद 300 रुपए देखते हैं तो आपको लगता नहीं ज्यादा है, लेकिन जब आप ये देखते हैं तो शुरुआत में 2 देखते हैं तो आपको लगता नहीं नहीं ठीक है ये खरीद सकता है, 1 रुपए है अपने पास, हाँ है ना, लेकिन ये साइकोलॉजिकल दिमाग में इफेक्ट करता है ये सब चीज एडवर्टाइजिंग। और क्या है एग्जाम्पल, बाय 2 गेट 1 है ना, ये भी वही चीज है, आपको चाहे बस एक ही पेन चाहिए था, लेकिन आप वहां जाके देखते हैं हाँ यार 2 खरीद लेगा तो एक और मिल जाएगा, फायदा उसमें कंपनी का हो रहा है आपका, ठीक है आपको 3 पेन मिल रहा है, लेकिन ये सब एडवर्टाइजिंग का ट्रिक्स है। और क्या, जैसे हाँ किसी सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी कोई जैसे फेमस आदमी हो, चाहे क्रिकेटर हो चाहे मूवी स्टार हो, उसको एड में डाल देता है कि हाँ आप मेरा जी, असल में क्या बोलते हैं, अब सलमान खान थम्सअप पीता है या नहीं पीता है, या शाहरुख खान पेप्सी पीता है नहीं पीता है हमको नहीं पता है, लेकिन एड में वो एकदम बोलेगा कि थम्सअप सबसे अच्छा चीज है पियो, और बच्चा लोग उसको देख के बोलते हैं नहीं नहीं हमें पिएगा, तो यही सब एडवर्टाइजिंग करते हैं। असल में थम्सअप क्या है, थम्सअप पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और चीनी है, शुगर, बेसिकली ये 3 चीजें, और कलर है उसमें ब्लैक कलर, दैट्स इट। लेकिन हम लोग एकदम ऐसा बना देंगे थम्सअप पी के एकदम, जैसे क्या माउंटेन ड्यू का ऐड देखा ना, माउंटेन ड्यू का वर्जन, हां हां डर भी आगे जीत है, यानी माउंटेन ड्यू पिएगा तो रीमैच बन जाएगा, तो ये सब एडवर्टाइजिंग का
और ज्यादातर एडवर्टाइजिंग हमेशा बच्चों पे होता है, बच्चों के इफेक्ट करता है ज्यादातर। ठीक, हाँ, तो इसी पे थोड़ा बहुत बात करता है। 1991 से पहले इस पे भी आप लोग देख सकते हैं अगर मान हो तो 1991 में एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन बेसिकली क्या होता है, इंडियन मार्केट खोल गया था थोड़ा। इससे पहले सब कुछ सरकार चलाता था, लेकिन 1991 में इंडियन सरकार मनमोहन सिंह उस वक्त फाइनेंस को मैनेज करने लग गया था। एलपीजी गैस वाला नहीं, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, जिसमें क्या हुआ था कि बेसिकली इंडिया ने बोला ठीक है बाहर का कंपनी आके यहाँ पे बिजनेस कर सकता है। इससे पहले क्या था, प्रोटेक्टेड, यानी इंडिया ने अपना मार्केट बंद करके रखा था कि नहीं बस सरकार चलाएगी। तो उससे पहले क्या, बस हमारे पास दूरदर्शन था और ऑल इंडिया रेडियो। लेकिन जब से 1991 आया, प्राइवेट कंपनीज आ गया, बाहर का कंपनीज आ गया, तब से हमारे पास केबल टीवी आ गया, बहुत सारा टीवी चैनल आ गया। उसके बाद 90s में क्या, इंटरनेट आ गया। तो अब वही जो मैं आपको बात बोल रहा था कि पहले प्रॉब्लम था कि जानकारी बहुत कम था, बस सरकार का जानकारी आ रहा था दूरदर्शन या फिर ऑल इंडिया रेडियो से या कुछ न्यूज़पेपर से। लेकिन अब क्या है सर, जानकारी इतना ज्यादा है तो अब वो हो गया कि जैसे बोलता है ना कि घास का एक जो बड़ा सा होता है ना बंडल, देखा ना जब चास करने के बाद एक बड़ा सा ऐसे बना देता है ना, हाँ कुड़ुको जो घास का होता है इतना बड़ा सा लगा देता है, उसमें से निकाल निकाल के फिर मशीन के थ्रेशिंग में डालता है। तो उसमें से इतना बड़ा उसमें घास के बंडल में अगर तुम एक छोटा सा सुई डाल दोगे घूम पाएगा। वही चीज आजकल सच के बारे में हो रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इंटरनेट में इतना ज्यादा जानकारी भर रखा है, प्रोपेगेंडा भर रखा है कि सच्ची बात ढूंढना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो ये इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है जो रिसर्च और जो आप अपना जानकारी कहाँ से ले रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो जानकारी आपको सरकार दे रहा है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी दे रही है या कोई एक्चुअल रिसर्च दे रहा है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि आपका इन्फॉर्मेशन आपका न्यूज कहाँ से आ रहा है, उस न्यूज से किसको फायदा हो रहा है, ये सब सवाल। ठीक, तो ऐसी एडवर्टाइजिंग ये सब बहुत चीज हमारा जो जनरल जो पॉपुलर संस्कृति है सब कुछ इफेक्ट करता है। जैसे एक्स का एड देखा ना डिओड्रेंट का, एक्स डिओड्रेंट एड परफ्यूम एड, आपकी परफ्यूम लगाया तो इधर लड़की पागल हो गया आपके पास ऐसे पकड़ लेगा, है ना? हाँ, तो इन चीजों का फायदा उठाता है एडवर्टाइजिंग। जैसे कि और क्या, फेयर एंड लवली, सबको इंडिया में गोरा होता है ना, सबको फेयर, तो फेयरनेस क्रीम बेचते जाओ। हाँ, तो यही क्या है, इंडिया जो इंडियन कल्चर में जो थोड़ा जो प्रॉब्लम है ना, हम सोचते हैं गोरा लोग बहुत अच्छा है क्योंकि ब्रिटिश लोग हम पे राज कर रहा था, तो उस चीज का ये लोग क्या फायदा उठा रहा है फेयर एंड हैंडसम वाला। तो यही चीज आप लोगों को समझना है, सवाल उठाइए इन चीजों पे। जैसे पॉलिटिक्स, जैसे रिलीजन पे बात किया था हमने हर चीज पे, वैसे ही टीवी न्यूज पे भी सवाल उठाना है, बस किससे फायदा हो रहा है ये सब। ठीक है, लास्ट एक जो बात करेगा, हाँ, तो जैसे आप लोग वो बाहर गेट के पास एक जो साइन देखा ना जीवी, हाँ, एक साइड से देखता है तो जी दिखता है, दूसरे साइड से देखता है तो वी दिखता है ना, तो वैसे ही बात पॉइंट ये है कि, हाँ, पॉइंट ये है कि हर चीज को आप कई नजरिए से देख सकते हैं। इस साइड से देखेगा तो कुछ और लगेगा, इस साइड से देखेगा तो शायद आपको लगेगा कि बीजेपी सही है, इस साइड से देखेगा लगेगा बीजेपी गलत है, इस साइड से देखेगा नहीं ठीक है। तो ये सब आपको सवाल उठा के देखना पड़ेगा। ठीक, तो वही बात बार बार बात आ जाती है कि सवाल उठाइए किससे फायदा हो रहा है, जो आपको जानकारी मिले उस जानकारी से किसको फायदा होगा उससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। और फाइनली हाँ, रिसर्च। ठीक है, रिसर्च पे हम और बात करेंगे, शर्मानी को मैं बोलूंगा आप लोगों को थोड़ा हेल्प करें रिसर्च के साथ। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 7 खत्म। हाँ।